हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सरकारी करियर जॉब। ICMR के डिपार्टमेंट NARI की तरफ से वैकेंसी की नोटिफिकेशन रिलीज़ की गई है। क्या वैकेंसी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी, अप्लाई कैसे करना है, लास्ट डेट क्या है, वैकेंसी कितनी है, सैलरी क्या रहेगी, सारी बातें वीडियो में करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बिल्कुल ही छोटी सी आप लोगों से, कि अगर हमारे चैनल सरकारी करियर जॉब पे आप पहली बार आए हो, वीडियोज़ देख रहे हो, तो प्लीज़ ये लाल बटन सब्सक्राइब का आपको वीडियो के नीचे नज़र आ रहा होगा, और जब आप चैनल पर जाओगे तो वहाँ पे भी आपको नज़र आएगा। तो प्लीज़ अगर अभी आप वीडियो देख रहे हो तो ये लाल बटन को अगर आपने प्रेस नहीं किया तो प्लीज़ अभी के अभी इसे प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करो, और बगल में जो बेल आइकन आएगा उसे भी आप ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड या किसी भी टाइप की गवर्नमेंट वैकेंसी से रिलेटेड, रिक्रूटमेंट से रिलेटेड या रिजल्ट से रिलेटेड, तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। क्योंकि हम पर डे के बेसिस पे दो से तीन वीडियोज़ पर डे के बेसिस पे हम अपलोड करते हैं रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, वैकेंसी से रिलेटेड गवर्नमेंट के, ताकि आप लोगों को कोई अच्छी से अच्छी जॉब मिल सके और सही जानकारी आप लोगों तक हम पहुंचा सकें। और हम पूरी कोशिश करते हैं कि वीडियो में हम पूरी डिटेल्स, जहां तक हो सके हम पूरी डिटेल्स आपके साथ शेयर करें। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और बगल में बेल आइकन जो आएगा उसे भी आप ज़रूर प्रेस कर देना, और वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो एक लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड के साथ जाओ तो ज़रूर शेयर करना, कमेंट करके चाहो कोई डाउट या क्वेरी या कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर आप पूछ सकते हो, ज़रूर कोशिश करेंगे उसे हम सॉल्व करके आपको आंसर ज़रूर करें। और एक बात, अगर चैनल पर आप पहली बार आए हो तो इन वीडियोज़ के भी आप आकर के ज़रूर देखना। ये सारी वीडियोस हमने लेटेस्ट वैकेंसी के अपलोड की हैं, मैं गारंटी कहता हूँ ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। और खास बात कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से वैकेंसी रिलीज़ की गई है, और बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से वैकेंसी रिलीज़ की गई है, तो इन वीडियोस को भी आकर के आप चैनल पर ज़रूर देखना, यहाँ पर आपको वीडियो सेक्शन में ये सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। ये आप देख पा रहे हो ICMR के डिपार्टमेंट नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब ICMR NARI की तरफ से वैकेंसी की नोटिफिकेशन रिलीज़ की गई है। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात कर लूँ तो एप्लीकेशन जो स्टार्ट है वो 24 सितंबर से एप्लीकेशन स्टार्ट कर दिया गया है। लास्ट डेट जो एप्लीकेशन के लिए रखा गया वो 3 अक्टूबर रखा गया है। डेट और टाइम यहाँ पे बहुत ही कम दिया गया बीच में, तो जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल रहेंगे, इंटरेस्टेड रहेंगे, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लास्ट डेट का वेट मत करना। अगर आप एलिजिबल हो, इंटरेस्टेड हो, अप्लाई करना चाहते हो तो दिन लास्ट डेट से पहले आप अप्लाई कर देना, लास्ट डेट का वेट मत करना, कहीं ऐसा ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो दिन आप अप्लाई ना कर पाओ। तो मेक श्योर कि इस बात का आप खास ख्याल रखें कि अगर आप एलिजिबल हो दिन आप लास्ट डेट से पहले आप अप्लाई ज़रूर कर देना। अब बढ़ते हैं एज लिमिट की तरफ, तो यहाँ पर एज लिमिट 30 ईयर्स रखा गया है। बाकी इसकी डिटेल्स के लिए आप एज लिमिट के लिए आप नोटिफिकेशन रीड कर सकते हो। सैलरी की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 16,000 से लेकर के 32,000 के बीच में सैलरी आपको मिलेगी। डिपेंड करता है पोस्ट क्या है, आपकी पोस्ट क्या रहेगी, सिलेक्शन आप किस पोस्ट पे आपकी होगी, और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और एक्सपीरियंस क्या है, तो उस हिसाब से। लेकिन मिनिमम 60,000 रहेगी सैलरी और मैक्सिमम 32,000 रहेंगी। अब बाकी अलाउंस वगैरह के लिए आप नोटिफिकेशन रीड कर सकते हो। तो नोटिफिकेशन कहाँ से आपको मिलेगा वो हम लास्ट में वीडियो को ज़रूर बताएंगे, अप्लाई कैसे करना ये भी लास्ट में बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, लाइक जरूर करना, एक वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब बढ़ते हैं आगे पोस्ट की तरफ, तो पहली जो पोस्ट है वो है सीनियर इन्वेस्टिगेटर की, इसमें एक वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी की बात करिए, कैंडिडेट्स के पास ग्रेजुएशन होना चाहिए सोशल साइंस में, एंथ्रोपोलॉजी में, विथ 5 ईयर्स एक्सपीरियंस इन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। ठीक है, तो इस बात का आप खास ख्याल रखें। और या फिर अगर ये क्वालिफिकेशन नहीं है आपके पास, ये एक्सपीरियंस नहीं है, तो कैंडिडेट्स के पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए सोशल साइंस में या फिर एंथ्रोपोलॉजी में। दूसरी जो पोस्ट है वो है रिसर्च असिस्टेंट की, इसमें एक वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी की बात कर जाए, कैंडिडेट्स के पास ग्रेजुएशन होना चाहिए सोशल साइंस में, एंथ्रोपोलॉजी में, विथ 3 ईयर्स एक्सपीरियंस इन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च में, या फिर कैंडिडेट्स के पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए सोशल साइंस में या फिर एंथ्रोपोलॉजी में। तीसरी जो पोस्ट है वो है डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए की वैकेंसी है, इसमें एक वैकेंसी। एलिजिबिलिटी की बात की जाए, कैंडिडेट्स के पास 12th पास होनी चाहिए कैंडिडेट्स, विद टाइपिंग स्पीड जो यहाँ पे 15,000 की डिप्रेशन पर आवर के हिसाब से कैंडिडेट्स के पास टाइपिंग स्पीड होना चाहिए थ्रू स्पीड टेस्ट ऑन कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर पर ये स्पीड कैंडिडेट्स का होना चाहिए। और यहाँ पर साफ लिख दिया कि प्रेफरेबल रिसर्च एक्सपीरियंस इन रिसर्च प्रोजेक्ट्स। चौथी जो पोस्ट है वो है कूपन मैनेजर LDC लेवल की, इसमें एक वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी की बात की जाए, कैंडिडेट्स के पास 12th पास होनी चाहिए विथ एक्सपीरियंस इन रिसर्च प्रोजेक्ट में। पांच नंबर और लास्ट जो पोस्ट है वो है कम्युनिटी लाइसन ऑफिसर प्रोजेक्ट टेक्नीशियन 1 की, इसमें 2 वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी की बात की जाए, कैंडिडेट्स के पास 12th स्टैंडर्ड पास होनी चाहिए कैंडिडेट विथ एक्सपीरियंस इन रिसर्च प्रोजेक्ट्स में। अब प्रेफरेंस दिया जाएगा उन कैंडिडेट्स को जिनके पास जो लोकल PWID कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनको कुछ ना कुछ प्रेफरेंस भी
दिया जाएगा। तो ये सारी वैकेंसीज थी। अब बढ़ते हैं आगे कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आपको अप्लाई ऑनलाइन ही करना है, कोई और एप्लीकेशन मोड आपको यूज़ नहीं करना है। अगर कोई और एप्लीकेशन मोड यूज़ करोगे आप तो दिन आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो खास ख्याल आप इस बात करके कि आपको अप्लाई ऑनलाइन ही करना है। ऑनलाइन करने के लिए पहले सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करके रीड करना है। तो नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए सरकारी कैरियर जो आपके इस पोस्ट का लिंक आपको डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप यहाँ पे आओ, सारी डिटेल्स यहाँ पे रीड करो। जब आप नीचे आओगे यहाँ पर तो आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स मिलेंगे जिसमें डाउनलोड नोटिफिकेशन का लिंक, अप्लाई ऑनलाइन करने का लिंक और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक, ये तीनों लिंक यहाँ पे मिल जाएगा। सबसे पहले आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करो, बी केयरफुली रीड करो। अगर आप एलिजिबल हो, इंटरेस्टेड हो, अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पर जब आपको अप्लाई ऑनलाइन करने का लिंक मिल जाएगा और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, तो तीनों लिंक आपको यहाँ पर मिलेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। एक बात हमेशा ध्यान रखना, हमारे चैनल पर आपको हमेशा से हम कोशिश करेंगे कि हमारी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर से बेहतर डिटेल्स हम पूरी आपको समझा सकें बेहतर से बेहतर तरीके से, ताकि आप लोगों को सारी बातें समझ आए और आप सही तरीके से अप्लाई कर पाओ। और पूरी डिटेल्स भी हम कोशिश करते हैं कि आपके साथ वैकेंसी से रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं वो आपके साथ हम शेयर करें। तो प्लीज़ अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन सब्सक्राइब का आपको वीडियो के नीचे नजर आ रहा हो तो प्लीज़ अभी चैनल को सब्सक्राइब करो। और बगल में जो बेल आइकन आएगा यहाँ पे, जब आप इसे प्रेस कर दो लाल बटन को, तो यहाँ पे आप बेल आइकन आएगा उसे भी आप जरूर प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और उस वीडियो को आप सबसे पहले देख पाओ। और बहुत सारे वीडियोज़ हमने चैनल पर अपलोड करके लेटेस्ट वैकेंसी की, तो उसके लिए आप चैनल पर आओ, वीडियोज़ आप आकर के देख सकते हो। और बाकी आपको कुछ वीडियोज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जाओ तो जाके देख सकते हो। इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करना, कुछ चाहो कमेंट करके तो आप जरूर पूछ सकते हो, जरूर कुछ डाउट अगर कोई क्वेरी या क्वेश्चन हो जरूर कमेंट करके आप पूछो। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना। इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।